हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन सेज कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट में गिवन है जो बॉटल कॉर्क है इसको प्रिफर किया जाता है फ्रॉम कॉर्क ऑफ परक्यूसिव, एंड सेकेंड में गिवन है जो सेट्रस डियोडोरा है ये मोस्ट ड्यूरेबल वुड है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली बताना है ये स्टेटमेंट्स के बारे में कि स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर फॉल्स हैं। तो ऑप्शंस है जैसे फर्स्ट में गिवन है स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, बी में गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, सी में गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, एंड डी में गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज क्वर्कस सिवर। तो जो क्वार्कस स्यूवर है जिसे कॉमनली कहा जाता है क्या, कॉर्क ओक कहा जाता है, तो ये मीडियम साइज एवरग्रीन ओक ट्री है। इट्स अ मीडियम साइज एवरग्रीन ओक ट्री होता है, एंड ये प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ द कॉर्क, कॉर्क का फॉर वाइन बॉटल स्टॉपर्स, वाइन बॉटल स्टॉपर्स एंड अदर यूज होता है जैसे कि कॉर्क फ्लोरिंग में, कॉर्क फ्लोरिंग में यूज किया जाता है। इट इज नेटिव टू साउथ वेस्ट यूरोप, ये कहाँ पे पाया जाता है, लाइक साउथ वेस्ट यूरोप में, साउथ वेस्ट यूरोप में एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। तो जो थिक पार्क होती है कॉर्क ओक की उसको हार्वेस्ट किया जाता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, एंड वाज यूज्ड, उनको यूज किया जाता है टू मेक द रोमन सैंडल्स, एंड टू टुडे द मोस्ट कॉमनली नोन यूज नोन होता है, लाइक अभी जो है मोस्ट कॉमनली ये यूज नोन है फॉर इट्स यूज इन वाइन बॉटल कॉक्स, वाइन बॉटल कॉक्स के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज जो बोटल कॉर्क है ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम कॉर्क ऑफ कॉर्कस सिवर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में गिवन है जो सेट्रस डियोडोरा है ये मोस्ट ड्यूरेबल वुड है, तो मोस्ट ड्यूरेबल वुड की अगर हम बात करें, मोस्ट ड्यूरेबल वुड जो है दैट इज टेक्टोना ग्रैंडिस, टी जो है ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री होता है ऑफ स्पीशीज टेक्टोना ग्रैंडिस जो है मोस्ट ड्यूरेबल वुड जिससे ऑप्टेन होता है, लार्ज डेसीडियस ट्री है जो कि डोमिनेंट है इन मिक्स्ड हार्डवुड फॉरेस्ट। बात करें सेट्रस डियोडोरा की, सेट्रस डियोडोरा की, तो इसे देवदारु भी कहा जाता है, देवदो भी कहा जाता है, एंड ये जो है इम्पोर्टेंट टिम्बर ट्री है फॉर प्रोवाइडिंग वॉट, प्रोवाइडिंग सॉफ्ट वुड। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, एज सेट्रस डियोडोरा इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट ड्यूरेबल वुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ स्टेटमेंट वन ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स है, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए स्टेटमेंट वन is true but statement second is false. I hope you understood it well. Best of luck.